Good morning, students. How are you? Hope you are fine. Guru Tegh Bahadur Public School के online classes में आपका welcome है. आज date 13 अप्रैल मंडे को हम first class का fourth lesson read करेंगे जो है growing up, मतलब कि वृद्धि करना. पहले मैं आपको मोटे रूप से एक स्टोरी के रूप में बता देती हूँ ताकि आपको लेसन जल्दी समझ में आ जाएगा. देखो बेटा, जैसे सीड का मतलब होता है बीज. हमने मिट्टी में कोई बीज डाला, उसको सूरज की रोशनी से, और जैसे ये बादल क्लाउड्स हैं, इससे बारिश हो रही है, ये पानी आया. जैसे ही पानी इस बीज पे पड़ा, ये बड़ा होता गया और सीडलिंग मतलब अंकुरित होता गया. सीडलिंग का मतलब होता है अंकुरित होना, बढ़ता गया. और जैसे ही ये सीडलिंग बड़ा हुआ तो ये बड़ा होकर क्या बन गया? प्लांट. प्लांट मीन्स पौधा. इसी तरह से जैसे देखो बेटा, सेकेंड नंबर, ये तो लिविंग थिंग के बारे में बताया गया, जो सजीव चीज़ें हैं. उसके बाद जैसे ये एग है, अंडा है, अंडा जब टूटता है, ये एग टूटा, उसके बाद नेस्लिंग, ये घोंसले में बेबी है, एग से बेबी बना, और ये जब बड़ा हुआ तो क्या बन गया? पक्षी. ये बर्ड्स का प्रोसीजर है. ये इसी तरह से फैमिली प्रोसीजर बताया गया है. फैमिली प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जैसे सबसे पहले ये बेबी है, छोटा बच्चा है, जब ये बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो ये चाइल्ड बच्चा बनता है. जब चाइल्ड से ये टीनेजर एज में आ जाता है, मतलब कि किशोरावस्था में आ जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, 15 या 16, मतलब 15 या 16 साल की उम्र में आ जाता है. उसके बाद एडल्ट, मतलब वयस्क व्यक्ति, जो हमारे पापा की एज है. इस तरह से एडल्ट के बाद ओल्ड मैन. ये एक फैमिली प्रोसीजर बताया गया है, फैमिली प्रोसेस बताया गया है. तो अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं. हमारा लेसन है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव चीज़ें होती हैं, वो ग्रो करती हैं. जिनमें जान होती हैं वो सजीव चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेसन को स्टार्ट करते हैं. ए बिग प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए स्मॉल सीड. जो एक बड़ा पौधा होता है, ग्रो फ्रॉम ए स्मॉल सीड, वो एक छोटे से बीज से बनता है. द सीड फर्स्ट ग्रोज इन टू ए स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग. द सीड, जो बीज होता है, वो सबसे पहले ग्रो करता है इनटू ए स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग, मतलब कि छोटे पौधे से अंकुरित होता है. दिस सीडलिंग सन सून बिकम्स ए फुली ग्रोन प्लांट, मतलब कि जो सीडलिंग अंकुरित होने के बाद सबसे पहले क्या होता है, फुली वो एक बड़ा पौधा बन जाता है. ये देखो, जैसे सीड है, मैंने अभी आपको बताया, सीड से सीडलिंग अंकुरित होता है और बड़ा पौधा बन जाता है. उसके बाद ए बर्ड ग्रोज फ्रॉम एन एग, मतलब कि एक जो पक्षी है वो ग्रो करता है फ्रॉम किससे, एग से. एग से जो है वो पक्षी बनता है. टीनी हैचेस एंड ए नेस्लिंग कम्स आउट, और अंडों के बीच में से क्या है, मतलब कि पक्षी जो है वो घोंसला बनाते हैं और नेस्लिंग कम्स आउट, चिड़िया के बच्चे मतलब बाहर निकलते हैं. इट ग्रोज एंड इट्स बॉडी चेंज विद एज. इसी तरह से हमारी जो बॉडी है, हमारे शरीर में परिवर्तन, हमारी उम्र के अकॉर्डिंग परिवर्तन होते रहते हैं, हमारी एज के अकॉर्डिंग बदलाव होते रहते हैं. सून इट बिकम्स ए ब्यूटीफुल बर्ड. जैसे कि ये ब्यूटीफुल बर्ड, पक्षियों के बारे में बताया गया, मैंने आपको अभी इसके बारे में पहले भी बताया था. एग अंडा टूटा, टूटने के बाद ये घोंसले में ये बेबी बन गया और इसके बाद ये पक्षी बन गए. ए बर्ड ग्रोज फ्रॉम एन एग, मतलब कि ए बर्ड, एक जो पक्षी है वो ग्रो, मतलब कि वृद्धि करता है फ्रॉम एन एग, एग से. अब जैसे ये लड़का बता रहा है खुद के बारे में, हेलो आई एम जतिन, मेरा नाम जतिन है. आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, मैं 7 साल का हूँ. आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ. आई वॉज बॉर्न एज ए स्मॉल बेबी, जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं बहुत छोटा था. ये इसकी मदर दी हुई है, जो इसकी केयर कर रही है, इसकी मदर की मतलब कि गोदी में ये बेबी है, जो जिसका नाम जतिन है. ये खुद के बारे में बता रहा है. एज ए बेबी आई कुड ओनली स्लीप, ड्रिंक मिल्क एंड वाटर एंड समटाइम्स क्राई. जब मैं एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, तब मैं ओनली केवल सोता था, ड्रिंक पानी पीता था, मिल्क एंड वाटर दूध पीता था, एंड समटाइम्स क्राई, और कुछ समय के लिए चिल्लाता था या रोता था. माय पेरेंट्स टुक केयर ऑफ मी, और मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत अच्छे से मतलब ध्यान रखते थे, मेरे मम्मी पापा मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा. नाउ आई हैव ग्रोन अप एंड बिकम ए चाइल्ड, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और एक बच्चा बन गया हूँ. नाउ आवर नेक्स्ट पेज इज, इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, आई वुड बी एज ओल्ड एज माई एल्डर ब्रदर उत्सव. मैं चाहता हूँ बनना एज ओल्ड
जैसा कि एज माई एल्डर ब्रदर उत्सव, जैसा कि मेरा बड़ा भाई उत्सव है, मैं इसके तरह बनना चाहता हूँ। ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, यह 15 साल का है। ही इज़ ए टीनेजर, ये एक टीनेजर उम्र मैंने आपको बताई थी, 15 से 16 साल की उम्र होती है। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, आई विल ग्रो इन टू ए मैन लाइक माई फादर, मैं ग्रो करूँगा लाइक जैसे मेरे पापा हैं। ये बच्चे के पापा बताए दिखाए गए हैं इस पिक्चर में। ये लड़का इशारा करते हुए कह रहा है कि मैं अपने पापा की तरह बन जाऊँगा। मैं चाहता हूँ बी एन एडल्ट, उनकी तरह व्यस्क बनना। मैनी ईयर्स कुछ सालों बाद, व्हेन आई बिकम वेरी ओल्ड, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, आई वुड लुक लाइक माई ग्रैंड फादर, मैं अपने दादाजी जैसा दिखूँगा, मतलब दादाजी जैसा बनना चाहूँगा। उसके बाद दिस इज़ माई सिस्टर प्रिया, ये अपनी बहन के बारे में इशारा करते हुए कह रहा है कि ये इसकी बहन है जिसका नाम है प्रिया। शी इज़ ए गर्ल, वह एक लड़की है। शी वॉज ऑल्सो ए बेबी, जब वो बच्ची थी। वैन शी वॉज बोर्न, जब उसका जन्म हुआ था। शी इज़ नाउ 10 ईयर्स ओल्ड, वह 10 साल की थी। वैन शी ग्रोज अप, जब वह बड़ी हुई, शी विल बी ए वूमैन, तब वह एक औरत बन जाएगी या औरत के जैसे बन जाएगी। शी विल लुक लाइक माई मदर, जैसा कि मेरी मम्मा दिखाई देती है, इसकी मम्मा है दोनों बच्चों की। और लिविंग थिंग्स ग्रो, इसी तरह से जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, जैसा कि मैंने ये लिविंग थिंग्स के बारे में आपको बताया था। ए बेबी बॉय ग्रो इन टू ए मैन, ए बेबी बॉय, जो एक बेबी बॉय है वो ग्रो इन टू ए मैन। यंग प्लांट्स ग्रो इन टू बिग प्लांट्स, वी ऑल चेंज एज वी ग्रो एल्डर, मतलब कि ए बेबी बॉय, जो एक बेबी बॉय लड़का है, ग्रो इन टू ए मैन, बड़ा होकर आदमी बनता है। यंग प्लांट्स ग्रो इनटू बिग प्लांट्स, यंग प्लांट्स मतलब कि जो छोटे पौधे होते हैं वो बड़े होकर पौधे बन जाते हैं और पेड़ बन जाते हैं, मतलब पौधे बन जाते हैं। वी ऑल चेंज एज वी ग्रो एल्डर, इसी तरह से हम सब चेंज मतलब परिवर्तन होता है, और वी ग्रो ओल्डर, हम छोटे से बड़े। ये देखो, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, ये बेबी छोटा है, ये बड़ा होके बच्चा बन गया, और फिर ये टीनेजर, उसके बाद एडल्ट, देन ओल्ड मैन। नाउ आवर लेसन इज़ कम्प्लीट, थैंक यू बेटा।